देख रहे हैं सत्यमेव न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ योगिता शर्मा। भारत का इतिहास आप और हम स्कूल के समय से पढ़ते आए हैं। समय के इस चक्र के समय गति के दौरान बहुत कुछ बदला, लेकिन जो नहीं बदला वो है हमारा इतिहास और हमारी प्राचीन धरोहर और इसके साथ ही यहाँ की संस्कृति। इसी के साथ इतिहास के पहिए को घुमाते हुए आपको कुछ वीरों और योद्धाओं के जीवन और मृत्यु के बीच का दौर का कार्यकाल दिखाते हैं। दोस्तों, आज जानते हैं कि 27 अप्रैल का इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में और उन लोगों के जन्मदिवस के बारे में जिन्होंने दुनिया में आकर बहुत बड़ा नाम किया, साथ ही उन मशहूर लोगों के बारे में जो इस दुनिया से चले गए हैं। मुगल साम्राज्य का शासक बाबर ने 1526 में दिल्ली के सुल्तान को पराजित कर नया बादशाह बना था। अमेरिकी नौसैनिकों ने 1805 में त्रिपोली के तटीय क्षेत्रों में हमला किया था। कलकत्ता विश्वविद्यालय ने महिलाओं को विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में पात्रता के लिए 1878 में पहली मंजूरी दी थी। सन 1908 में लंदन में चौथे ओलंपिक खेल शुरू किए गए थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी की सेना ने 1941 में एथेंस में प्रवेश किया था। अमेरिका के ओक्लाहोमा प्रांत में 1942 में आए तूफान के कारण 100 लोग मारे गए थे। नेशनल डिफेंस कॉलेज की 1960 में नई दिल्ली में स्थापना की गई थी। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने गामा किरणों के अध्ययन के लिए 1961 में पृथ्वी की कक्षा में एक्सप्लोरर 11 लॉन्च किया था। सियेरा लियोन ने 1961 में ब्रिटेन से स्वाधीनता की घोषणा की थी। अमेरिका ने 1967 में नेवादा परीक्षण स्थल पर परमाणु परीक्षण किया था। अंतरिक्षयान अपोलो 16 1972 में पृथ्वी पर वापस लौटा था। सन 1879 में बांग्लादेश में आए तूफान से 500 लोगों की मौत हो गई थी और अफगानिस्तानी विमान ANS-32 1993 में दुर्घटनाग्रस्त होने से 76 लोगों की मौत हो गई थी। टूलूज में एयरबस निर्मित दुनिया के सबसे बड़े विमान A380 ने 2005 में पहला परीक्षण उड़ान भरी थी। पाकिस्तान ने 2008 में अपने विदेश सचिव रियाज मोहम्मद खान को बर्खास्त कर उनके स्थान पर चीन में पाकिस्तान के राजदूत सलमान बशीर को विदेश सचिव नियुक्त किया था। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 2010 में भारत के नागरिकों की पहचान का एक बड़ा सबूत बनाने जा रहे यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर को अब नया ब्रांड नाम आधार तथा नया लोगो पेश किया था। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अपने जन्म को लेकर हुए विवाद के बाद 2011 में सार्वजनिक तौर पर जन्म प्रमाण पत्र के प्रति जारी की थी। उत्तराखंड के सातवें मुख्यमंत्री हरीश रावत का 1947 में जन्म हुआ था। 2009 में हिंदी फिल्म अभिनेता, निर्देशक और निर्माता फिरोज खान का निधन हुआ था। लंबे समय से कैंसर से पीड़ित हिंदी फिल्म अभिनेता विनोद खन्ना का 70 वर्ष की आयु में 2017 में निधन हुआ था। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन अगली कड़ी में फिर हाजिर होते हैं कुछ ऐतिहासिक मुद्दों और नामचीन हस्तियों के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।